नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, हेलो। हेलो। कौन? हाँ भाई साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अरे हम विजेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं। अभी आपके लिए, आपको कहे थे बात करने के लिए, फोन किए तो आपका उठ ही नहीं रहा था। ठीक बताइए। है रे भाई साहब, कह रहे टेट पास 2011 वालों का भी कुछ होगा कि टेट पास 11 वालों का क्या कुछ होगा? अरे वही माने जो आप ग्रुप चलाते हैं उसमें, माने इनका भी बारी आएगा भर्ती उर्ती का। बारी किसी का नहीं आता है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, जब उसे जरूरत होती है वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी में लोग अप्लाई करते हैं। जी, भाई वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन तो फिर जब आप समझ रहे हाँ हैं तो फिर 11 वालों के लिए स्पेशली थोड़े ही करेंगे। स्पेशली अलग से जो है शिक्षा मित्रों के लिए किया गया था, उनका अच्छा, हाल आप देख लिए? हाँ उनका तो हाल देख लिया, अब उनका कुछ होगा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी का कुछ नहीं होगा। हाँ, ये कि स्पेशली कोई भी सोचेगा कि मेरे लिए स्पेशल कुछ हो जाए, शिक्षा में सोचे मेरे लिए स्पेशल कुछ हो जाए, बीए टेट 2011 सोचे मेरे लिए स्पेशल हो जाए, वही बीटीसी। नहीं भैया, हम आपसे राय ले रहे हैं, पूछ हाँ, रहे तो थे। वही चीज कि चाहे वो बीटीसी हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे वित्तविहीन हो, किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को स्कूल चलाना है, पर्पस जी। से वो अपना काम करेगी और जो वो योजनाएं लेकर आएगी उस योजना में जो लोग आ रहे होंगे उससे वो लाभान्वित होंगे। जी। अब अगर एक को कर लाभ देंगे खास तौर पे और दूसरे को अनदेखा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो जिसका अनदेखा किया जा रहा होगा, जिसका नुकसान हो रहा होगा, वो फिर विवाद करेगा, कोर्ट जाएगा, हाँ जाएगा वो तो है। मजिस्ट्रेट। ये है, जैसे शिक्षा मित्रों का हुआ तो भी हम लोग गए। तो शिक्षा मित्रों का क्यों आज ये हाल हुआ? अगर शिक्षा मित्रों की सपा सरकार जब कर रही थी समायोजन, उस वक्त जो टेट 2011 वाले थे, अगर उनको विवादित न करती, उनका भी एक तरफ चलने देती, इनका भी चलने देती, सही बात है। तो जब दोनों को मिलता तो कोई कोर्ट जाता ही नहीं। ना ना सही बात है। पद भी थे पर्याप्त, खुद ही सपा सरकार ने हलफनामा लगाया कि 4 लाख से ज़्यादा पद हमारे पास हैं। वो जब देखे कि जो है मामला गड़बड़ हो रहा है तब कहने लगे 4 लाख से ज़्यादा पद हैं। अगर यही चीज़ शुरू में सोच लिए होते कि जो है उनका भी कर दें, इनका भी कर दें, तो सब कुछ हो गया होता। सही बात है। अभी खैर, अभी अभी गवर्नमेंट, योगी जी तो खुदे नहीं चाह रहे हैं कि भर्ती हो जल्दी। वो आपकी अपनी सोच है, योगी जी क्या नहीं चाह रहे हैं, कौन क्या नहीं चाह रहा है। अगर आपने जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होता तो आप इस तरह बातें नहीं करते। पढ़े अच्छा आप? वो पढ़े? ना ना भाई, नहीं पढ़े। हाँ, तो वही हमने कहा ना कि आप क्या कोई नहीं पढ़ा है, सब ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं, खाली जो है फेसबुक पर जो है दिन रात पढ़ते रहते हैं, ना ना व्हाट्सएप सही पर बात। अच्छा भैया, इनका ध्यान कुछ लेते हैं। होगा क्या? हमारे गांव में भी हैं 2-4 लोग शिक्षाविद, इनका होगा क्या कुछ? हमने शुरू में ही कहा किसी का खास तौर पर स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई किसी का सरकार का दामाद नहीं है कि जो अलग से उनके लिए जी। किया जाए। गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, उसके तहत शिक्षा में आप देख रहे होंगे स्कूलों में काफी तेजी से बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, कायाकल्प ना ना है। सही बात है। हाँ, कायाकल्प हो रहा है, तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसको आज और उसमें ये फॉलो। तो दिया है कि संविदा कर्मी नहीं रखे जाएंगे। तो अब आप बताइए, आपके घर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई काम करता है, वो काम होना भी है, और आप कह रहे हैं कि संविदा पर हम नहीं रखेंगे, तो इसका क्या अर्थ हुआ? परमानेंट ही फिर रखेंगे? हाँ, इसका अर्थ हुआ कि हो सकता है कि निकालेंगे तो नहीं अब उन लोगों को, नहीं, हो सकता ये आप गलत अर्थ निकाल दिए कि जी। निकालेंगे तो नहीं, ये अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता है। अच्छा, उसमें परमानेंट रखने की व्यवस्था है और परमानेंट रखेंगे, अगर वही व्यक्ति सिलेक्ट होगा तब तो वो आ जाएगा। जी। अगर वो व्यक्ति नहीं सिलेक्ट हुआ, आपका हो गया, हमारा हो गया, तो क्या वो व्यक्ति रहेगा वहाँ? ना वो तो निकाल ही देंगे। तो कोई भी चीज़ को समझते वक्त बड़े ध्यान से समझिए, उसके अर्थ को निकालते वक्त बड़े ध्यान से निकालिए, अर्थ में अनर्थ हो जाता है थोड़े से में। लेकिन जैसे बिहार उहार में है, जैसे इन शिक्षा मित्रों थे वहां पे, तो वहां तो कर दिया है ये और आपका राज्यों में। कोई जान पहचान वाला है जिसने बताया आपको कि मेरा हो गया है? बगल वाले हैं, 1-2 लोग हैं, वो बताते हैं कि मैंने वहां पे हुआ बिहार नहीं, हमने ये में। कहा कि आपने कहीं पढ़ा सुना या आपने अपनी आंखों से देखा कि किसी का हुआ है? बिहार में, हाँ, हाँ बिहार में जानने वाले हैं 2-4 लोग, वो लोग शिक्षा मित्र से हो गए हैं यहाँ। जैसे आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं? हम बलिया से हैं।
बलिया जिला, बलिया भी बिहार के बॉर्डर पर है, हम भी बनारस में हाँ हैं, बिहार बॉर्डर ही है लगभग। जी। तो जानकारी आप फिर से कीजिए, और हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो कि 2011-12 से वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनसे बराबर मेरी बातचीत होती रहती है। जो आप कह रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है वहाँ, अखबार के आप सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, तो अखबार में तो बहुत कुछ छपता रहता है। वो नहीं, 17,000 वाला जैसे उन लोगों का स्केल दिया, तब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनको टीचरों के बराबर नहीं दिया। आप अब देखिए बात घुमा दिए, अभी आप थोड़ी देर पहले शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, अब आप 17,000 स्केल की बात नहीं, 17,000 स्केल कौन पा रहा था? अरे जो वहाँ के शिक्षा मित्र हैं और जो नियोजक शिक्षक हैं, दोनों। शिक्षा मित्र अलग है, नियोजित शिक्षक अलग है, खिचड़ी ना पकाइए। आप साफ साफ बताइए किसकी बात कर रहे हैं, 17,000 नियोजित की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नियोजित वाले, ये नियोजित वाले कौन होते हैं, आपको है जानकारी ये कौन है? बीएड वाले, बीपीएड वाले हैं। हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, नियोजित का क्या अर्थ होता है? और क्या पता, इतना तो नहीं नहीं पता जानता। है, तो जब जानकारी नहीं है तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, झोला छाप लोगों से आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जी। अपने यहाँ भर्ती जैसे 68 जा निकली, 69 जा निकली, 72 जा निकली, उसमें लोगों ने फॉर्म भरा, जिनका सिलेक्शन हुआ उनका ग्रेड पे है, उस ग्रेड पे के अनुसार उन्हें वेतन मिल रहा है, ठीक है? जी। और जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इनको एक मानदेय मिलता है। तो जो 68 हजार, 69 हजार, 72 हजार में हुए, वो परमानेंट हैं। उनको सारी गवर्नमेंट की जो जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो मिल रही हैं, और पेमेंट ग्रेड पे के अनुसार मिल रहा है। अच्छा। वहीं अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनका जो वेतन, जो मानदेय रखा गया है, वो फिक्स उनको मानदेय मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अभी जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में पुरस्कार दिया गया है, उसमें सिर्फ परमानेंट को दिया गया है, किसी संविदा वाले को नहीं उसमें किया गया। क्यों? क्योंकि जो पुरस्कार या अन्य जो सुविधाएं होती हैं परमानेंट के लिए होती हैं। ऐसे ही बिहार में जब जाएंगे तो वहाँ पर जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको परमानेंट नहीं रखती है गवर्नमेंट, उनको वो नियोजित शिक्षक, यानी रहेंगे तो परमानेंट, जी। उनका पद परमानेंट रहेगा, वो भी रहेंगे परमानेंट, लेकिन वहाँ पर ग्रेड पे नहीं लगेगा, उनको वेतन मान न दे करके उनको एक मानदेय तय कर देती है, उनको वहां पर वेतन न देके एक जो है मानदेय या वेतन मान या जो भी कहा जाता है वो देती है। यानी कि 17,000 कह दी तो वो 17,000 दे रही है, समय समय पर बढ़ाती रहती है। यूपी के अंदर प्राइमरी में सिलेक्शन पाने वाला शुरुआत से ही 40-45-50 हजार पाता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं बिहार में, हमारा एक मित्र है, वो इंटर कॉलेज को पढ़ाता है, यानी कि पीजीटी हो गया, और वो 11-12 हजार से शुरू किया था, अभी वो 30 हजार के लमसम पहुंचा है। अब सोचिए, लगभग 10 साल से ज्यादा पढ़ा चुका, और अब जाके वो 30 हजार 40 हजार के लगभग में पहुंचा है। अब यहाँ प्राइमरी का टीचर ज्वाइन करते ही 40-45-50 हजार शुरू हो जा रहा है उसका। सही बात तो जब भी कहीं की कोई जानकारी लीजिए तो हवा हवाई बातें नहीं, डीपली जानकारी लीजिए, उसमें डिस्कस कीजिए, एक एक पॉइंट पर जानकारी लीजिए। जो आपसे बता रहा है वो भी हवा हवाई बातें सुन करके ही बता रहा है। तो। अभी वहाँ आपका पर हुआ है कि नहीं भैया? अच्छा 2011 के आप भी हैं, 2011 के हम भी हैं, ठीक है? और बिहार में इन लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा कि जो है जैसे अन्य राज्यों में ग्रेड पे दिया जाता है, हम लोगों को भी ग्रेड पे दिया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से इनको कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने स्वीकार तो किया कि आपकी मांग सही है, लेकिन राज्य सरकार ऐसी कंडीशन में अभी नहीं है कि आपकी आपको मांग को दे पूरा। सके। हाँ, तो ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी काम होता है, जब तक वहाँ की सरकार नहीं तैयार होगी, चाहे आप जान दे दीजिए, वो चीज नहीं आप हासिल कर सकते, चाहे वो आप हाई कोर्ट जाइए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाँ यही देख लीजिए, 5 साल बीत गया, शिक्षा में नाकर रगड़ते रह गए लोग, उनको कुछ नहीं दिया। और जिसने दिया भी था वो जानता था कि हमको इनको बस जो है ड्रामा करना है, साल 1.5 साल इनको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, इनका हम जो है फेवर भी पालेंगे कि हमने इनका किया था तो ये हमारे सपोर्ट में हो जाएंगे।
और बाकी समायोजन हम गलत तरीके से कर ही रहे हैं, निरस्त हो ही जाएगा और देना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने दूसरी चाल चली थी कि हाँ देन भी नहीं भी इनको मिलेगा। हाँ ये भाजपा के वो हैं, भाजपा अपने कार्यकाल में रखी थी, हो सकता है कि कुछ कर दे भाजपा। कोई भाजपा या सपा या बसपा नहीं करता है। जी जी हाँ, हाँ, वो नियम कानून से सरकार नई शिक्षा नीति है, इसमें हो सकता है। गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी, जी हाँ, श्वेत अब तो क्रांति। पढ़ाई से दूर हो गए हैं हम लोग, जब नहीं अरे हुआ। अब दूर हुए हैं, हाँ, जो पढ़े हैं भूल तो नहीं गए हैं ना, अरे कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो किसी को भूल ही नहीं जाएंगे, कितना याद रहेगा। मतलब आप भूल जाएंगे कि आप कौन से वर्ष में हाई स्कूल किए थे, आपने हाई स्कूल पढ़ा ना था ना, या ये साथ में सब नहीं, ये सब आपने कहाँ बोलेंगे। नहीं, नहीं, पढ़ाई आपने पढ़ाई और ये बोलने में अंतर है भैया। पढ़ाई जैसे कि आप नहीं रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे तो कुछ माने पीछे होगा ही ना, होगा कि नहीं यार। यहाँ पर कौन सा ISPCS का एग्जाम की बात हो रही है? हमने सामान्य सी बात की कि पढ़े हाँ हैं तो आपको जानकारी होगा कि पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, आप सही। कुछ तो याद होगा, एक आध शायद याद हो कि हाँ नाम तो सुने होंगे पंचवर्षीय योजना का, कुछ नहीं तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, तो इनको तो समझते हैं ना। उसके बाद हर साल बजट आता है, अगर बजट थोड़ा बहुत समझते होंगे तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा सरकार को जो है सिस्टम चलाना है, वो वहाँ ये नहीं बैठी है कि एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके उसका घर चलाए। सही बात है। 130 करोड़ लोग हैं ना, 130 करोड़ को पकड़ पकड़ घर चलाने तो वो बैठी नहीं है। अगर चाहे पहले भारत के सिस्टम को ले लीजिए अर्थव्यवस्था को, चाहे दुनिया को कोई अर्थव्यवस्था ले लीजिए, कोई ऐसा देश बता दीजिए जहां 100% लोगों को सरकारी नौकरी मिली हो, नहीं या फिर भारत में ही बता दीजिए ऐसा कब हुआ कि जो है 100% लोगों को कोई सरकार दी हो नौकरी सरकारी, ना, कहाँ देखिए। न दी है न कभी भविष्य में देगी। 2% 3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है, उतने ही पद होते हैं। तो हर चीज को समझ करके आप उसमें तलाशेंगे कि हमारे लायक कुछ है यहाँ कि नहीं है, समझेंगे, उसके बाद अगर इसमें कुछ उम्मीद करेंगे तब तो आप सही हैं, और नहीं बिना समझे बिना जाने बस भेड़ चाल कि फलनवा नेता कह रहा है, ऐसा अखबार ने छाप दिया, ऐसा हम फेसबुक पर पढ़ लिए, व्हाट्सएप पे पढ़ लिए, अगर उसके पीछे कोई भाग रहा है तो उसकी मूर्खता है। तो सिंपल सा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, शिक्षा में तेजी से बदलाव कर रही है गवर्नमेंट, बहुत कुछ बदल रही है। अभी मोदी जी ने घोषणा भी किया है 14,500 जो है नए स्मार्ट स्कूलों के लिए, क्या नाम है श्री करके कुछ नाम है, हमने डाला भी है टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सब सब कुछ लिखा हुआ है, पीएम श्री, ये योजना जो है 14,500 ये पीएम श्री करके है। अच्छा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, खास तौर पे दो पर ध्यान देना है। वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पूरा सभी एजुकेशन के लिए है, चाहे वो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी वाली पढ़ाई हो, या कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी पढ़ाई हो, सबके लिए है। तो मुख्य रूप से आप जो जानना चाह रहे हैं वो प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पे जो हो रहा है जी उसमें, तो गवर्नमेंट प्री प्राइमरी लेकर आई है, और प्री प्राइमरी में नया प्ले LKG UKG तीन कक्षा शुरू कर रही है, जी और आंगनबाड़ी को ही प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हक जो है उस पर गवर्नमेंट ने जो दिया है वो आंगनबाड़ियों को ही दिया है। प्ले स्कूल के लिए। हाँ, तो उसमें अब तक जो है हाई स्कूल पास रखे जाते थे, कुछ ऊपर के भी पद थे, तो अब उसमें हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट कर दिया है, और कुछ पद खाली हैं, 50-52 हज़ार, अभी भी अखबार में भी आया था, उसका विज्ञापन निकलेगा और 1-2 महीने के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। इनको फिर बाद में जैसे NIS से DLED हुआ था, गवर्नमेंट इनको बाद में ट्रेनिंग देगी, जैसे शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग कराया गया था उसी तरीके से ट्रेनिंग कराया जाएगा प्ले के लिए। तो ये वहीं पर रहेंगे, प्ले को पढ़ाते रहेंगे, बाद में भविष्य में इनको ट्रेनिंग दे करके स्थायी भी करने की योजना है, दो के लिए। अच्छा क्रमशः चलिए, स्टेप बाय स्टेप धीरे बढ़ेंगे तो समझना आसान होगा। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है ठीक। तो प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं ना, अभी हम लोग तो प्ले की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ सबसे हाँ निम्न स्तर की बात कर रहे हैं अभी, जी
इससे ऊपर आता है आपका LKG UKG, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट वो न्यूज़ जो था वो लिखा हुआ था कि कितने पद आंगनबाड़ी को दिए जाएंगे, कितने प्रतिशत, और कितने प्रतिशत NTT को, तो उसमें NTT वालों को स्थान दिया जाएगा। तो जो NTT किए हुए हैं वो लोग रखे जाएंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे, तो जो NIS से डीलेट किए हुए हैं उनको लिया जाएगा। अच्छा इसके बाद ऊपर आप जब प्ले LKG UKG से ऊपर बढ़ेंगे तो कक्षा 1-2, जो कि अब पहले प्राइमरी में होता था, प्री प्राइमरी में है, तो उसके लिए शिक्षा मित्रों का प्लानिंग किया है गवर्नमेंट ने, कि ये भी 2 वर्ष का ट्रेनिंग किए हैं लेकिन जो टेट पास नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं के लिए स्पेशली कक्षा 1-2 जो प्राइमरी में हुआ करता था उसको उठा करके प्री प्राइमरी में कर दिया, ताकि वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहें कक्षा 1-2 को, और टेट नहीं पास कर पा रहे हैं तो प्राइमरी में तो टेट चाहिए ही चाहिए। तो इन लोगों के लिए भी तो अच्छा कर देता। हाँ, तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है, अभी तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है उसको तो नहीं समझ में आएगा ये सब, जी, नहीं, क्योंकि अभी वो दिख नहीं रहा है और लोग। आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसीलिए हम आपका वो आता था मैसेज, तो हम जुड़े थे। हम कहे कि हाँ भाई से थोड़ा बात करें, भाई देखिए आप एकदम पढ़े हैं तो एकदम अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। वो चीज आप भी पढ़ करके किसी समझ भी सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। ये जितने नेता वेता हैं, चाहे किसी गुट के हों, शिक्षा मित्र के हों या फिर BEd BTC DELED के हों, इनमें से आप जी किसी को फोन लगा लीजिएगा, जी सिर्फ 2 मिनट बात कीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, आपको पता हो जाएगा कि उनको कितनी जानकारी है। कुछ नहीं जानकारी, हम कई लोगों से बात किए, कुछ जानकारी नहीं उन लोगों कुछ को। भी नहीं है, वो बस हवा में बातें करते हैं कि फलनवा सांसद को जाएंगे ज्ञापन देने, तो मंत्री जी से मिलने जाएंगे, तो हम उससे कुछ धरना नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट से ले लेंगे, ये कर लेंगे, खाली हवा में बातें करते हैं, भाई होगा। आप कुछ ले नहीं सकते हैं। हाँ, वही बात है, जब वो देना नहीं चाहेगी तो हम कैसे ले लें। वो देना चाहेंगे नहीं चाहेंगे उनके चाहने की बात ही नहीं, वो अपनी योजना बनाते हैं, योजना के अनुसार चलते हैं। राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति से पहले 2009 में RTE एक्ट आया था, अगर सपा सरकार ने RTE एक्ट को समझ करके आगे कदम बढ़ाया होता तो वो आज सत्ता में भी होते, और शिक्षा मित्र या BEd BTC किसी का जो है नुकसान नहीं हुआ होता। तो अगर कोई योजना बन गई, RTE एक्ट बन गया या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो किस उद्देश्य से बना है, उसमें वो क्या कह रहा है, करना क्या है। अब कर उसमें लिखा कुछ है, आप करेंगे कुछ, तब तो भाई गड़बड़ तो होगा ही। खैर, आते हैं तो शिक्षा मित्र जो है वो 1-2 में जो टेट पास नहीं है उनको करने के लिए ही प्राइमरी से प्री प्राइमरी मिला है, तो यहाँ पर अभी टेट जो है अनिवार्य है नहीं, तो यहाँ उनका करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद फिर गवर्नमेंट बढ़ेगी प्राइमरी की तरफ, प्राइमरी के जो लिए, टेट पास है उनको प्राइमरी में रख लेंगे। हाँ तो प्राइमरी में टेट चाहिए, टेट या सी टेट, इसीलिए गवर्नमेंट ने टेट सी टेट को लाइफ टाइम कर दिया, जो पुराने वाले हैं उनके लिए रास्ता खुल जाए। और अपने यूपी की बात करें, सेम कंडीशन जो हम यूपी की बताने जा रहे हैं, इससे भी खराब कंडीशन अन्य राज्यों में है, यानी कि अपने यूपी में तो काफ़ी टेट पास कैंडिडेट्स हैं, अन्य राज्यों में तो टेट पास कैंडिडेट भी उतने नहीं हैं, तो लगभग सभी राज्यों में सेम कंडीशन होने वाला है। कि जैसे 2011 की बात करें यूपी के अंदर, तो करीब 50,000 के आसपास हैं कैंडिडेट, ठीक है, और उसके बाद 12 में हुआ ही नहीं है। अगर फिर भी 12 से लेकर के 17 तक की बात किया जाए, टेट और सीटेट दोनों, तो यूपी के अंदर टेट और सीटेट दोनों पास 12 से 17 तक, इनकी संख्या 20 से 25 हज़ार है। 50,000 उधर हो गए 11 वाले, 20-25 हज़ार इधर वाले हो गए, कितने हो गए, 70-75 हज़ार। तो करने में दिक्कत है तो 17 तक का करने में कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत ना? नहीं है। तो गवर्नमेंट पहले चरण में 11 से 17 तक को क्लियर कर देगी हर राज्य में। अपने यहाँ तो 75,000 निकल आया, दूसरे राज्यों में आप खोजेंगे तो 10,000 भी खोजना मुश्किल हो जा रहा है, ऐसी हालत है, क्योंकि वहाँ टेट होते ही नहीं रहे हैं हर साल। यूपी में कम से कम टेट हर साल हो रहा था, बिहार में बात किया जाए तो बिहार में कई साल हो गए हैं टेट एग्जाम हुए। देखिए, ये कब तक निकालेंगे वैकेंसीज का भी? कोई भी चीज़ गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, जैसे जैसे एक एक स्टेप पूरा होते जाता है तो अगला स्टेप फिर करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2022 के बाद संविधान खत्म करना है, तो 2022 चल रहा है, और उसमें 2023 में क्या क्या करना है वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो 2023 कितने दिन रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं।
और योगी जी बार बार तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, बोलते हैं, तो वो लोग भले ही न समझ पाते हों, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है वो तो समझ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी के तहत ये जो 52,000 आंगनबाड़ी की बात की जा रही है, तो आगे बढ़ने की ही प्ले की तरफ अभी हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो शिक्षा मित्र शुरू हो जाएगा, इसके बाद टेट वाला शुरू हो जाएगा, तो आने वाले 2-4 महीने 6 महीने के अंदर ही सब कुछ होना है। दिसंबर तक मन मानिए कि हो जाएगा मान लीजिए दिसंबर को सेंटर पॉइंट उसी के इर्द सब। गिर्द रख लीजिए, तो जो भी हैं 2011 से 17 तक वाले ये 70-75 हज़ार हैं। इसके बाद जब गवर्नमेंट बढ़ेगी 2018 पर, तो वहाँ पर भी 69 हज़ार भर्ती हुई है। अभी रिजल्ट आया है एडेड वालों का, जूनियर का, उसमें लोग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले कभी न कभी टेट पास किए रहे होंगे, फिर दोबारा पास कर लिए होंगे 2018 में, तो उनका तो अगर 11 से 17 वाले में वो आ रहे हैं तो दोबारा तो लेंगे नहीं नौकरी। यानी कुल मिला के जब फिल्टर विल्टर कर लिया जाएगा तो 18 वाले में भी 1-1 लाख ही संख्या बचेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की योजना है पहले चरण में करीब 2.25 लाख पद भरने का। तो 2.25 लाख पदों के अंतर्गत 11 से 18 तक वाले बड़े आराम से आ जा रहे हैं, और पहले चरण में उनकी योजना भी है 2.25 लाख भरने का। तो 2011 से 2018 तक चाहे किसी राज्य का कोई भी टेट पास कैंडिडेट हो, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाले कुछ महीनों में नियुक्ति पा जाएगा। और जो शिक्षा मित्र हैं, वो अब तक जो भी शिक्षा मित्र टेट पास कर चुका है या सी टेट पास कर चुका है, चाहे यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, या कहीं का, वो सब परमानेंट एक साथ कर दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, अगर उसको जानने का प्रयास करेंगे तो समझेगा ये चीजें हम जो है जब राष्ट्रीय इनका शिक्षा, भी तो प्री प्राइमरी में करेंगे तो इनका भी तो अच्छा हो जाएगा हाँ, माहौल और बना। ये चीजें जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया नहीं था, उससे पहले मसौदा आया था और उससे पहले चर्चा हो रही थी, तो 2017-18 से ये चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन लोगों को बस थक नहीं, हमको तो आज ही चाहिए, हमको तो तुरंत हो जाए, तो तुरंत तो संभव नहीं। पहले समझिए योजना को, योजना कौन सी आई है, कितने समय पूरा करना है, कैसे क्या योजना वो बनाए हैं। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, आप ही बताइए। अगर जो है, चाहे वो कुर्सी पर कोई बैठा हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती हो, कौन नहीं चाहेगा कि सबको नौकरी दे दो, सब खुश रहे, सब हमको सही वोट दे। सही चाहेगा तो बात सब, लेकिन फिर भी सब नहीं दे पाते हैं सबको। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ बजट से होता है और बजट लिमिटेड है, तो उसको देख करके हर काम करेंगे तो समय तो लगेगा। मायावती जी ने शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देने का शुरुआत किया था, अखबार में आप पढ़े होंगे, हमने आज भी डाला है व्हाट्सएप पर, जुलाई 2011 में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन बजट के कारण वो लेट हुआ, उसका फायदा फिर अखिलेश उठाने लगे, और लेकिन गलत तरीके से उठाने लगे। तो बजट अखिलेश अखिलेश गलत किए ना कि जैसे एक का ट्रेन दूसरे पे आपकी आवाज कट रही है। ठीक कह रहे हैं ना कि अखिलेश जो थे वो तो ट्रेनिंग करा, वो मायावती का ट्रेनिंग वाला शेड्यूल सही चल रहा था, उसके बाद फिर अखिलेश जी आए तो उसी में फिर दूसरा बैच वालों को भी जो पीछे के भी लोग थे उनका भी जल्दी जल्दी कराने लगे कि हम श्रेय ले लें अपना। नहीं, श्रेय ले लें वो भी ठीक था, जो काम किए वो काम, जो लाभ हो रहा था शिक्षा मित्रों को, अच्छा उनके लिए हो रहा था, वो भी ठीक था, लेकिन पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से कर रहे थे ना हाँ सही बात। भाई। आप अगर अभी अपना मोटरसाइकिल उठा करके सड़क पर निकल जाइए और पुलिस वाला रोक ले, वहाँ ट्रैफिक वाला रोक ले, और आप उसे कहे लाइसेंस कहाँ है, आपके हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या करेगा? चलान करेगा। चालान करेगा, यानी कि एक तरह से आपको सजा दे रहा है ना वो। तो आपके पास एक छोटा सा मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी, उसको चलाने के लिए भी नियम बने हुए हैं। सही बात है। तो हर चीज़ का नियम बना है, अगर आप नियम अनुसार नहीं चलेंगे तो वो काम गलत है। तो जो नियम था, उस नियम के तहत अगर हर चीज किए होते तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, जब ये सब हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, फिर भविष्य में कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा शिक्षा मित्रों को, क्योंकि सही बात। गवर्नमेंट नियम अनुसार हर चीज कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। पहले उन्होंने क्या किया, कक्षा 1-2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी कर दिया कि टेट वाली समस्या ही न रहे। तो नियम अनुसार कि क्या दिक्कत है, उसका हल कैसे निकालना है, उसका रास्ता निकाला जाता, रास्ता निकाले बिना करेंगे तो कैसे होगा। जी चलिए, तो जो भी है अखबार में न्यूज आता है, शेयर करते रहते हैं क्या चल ये रहा है आंगन लेटेस्ट। आंगनबाड़ी वाला फिर भरा जाएगा फॉर्म नए सिरे से। अब कैसे होगा, अखबार में अभी आया है 52,000 करीब
जो है वो लिए जाएंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, विस्तृत जानकारी सब अखबार में आएगी, पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पढ़ उसमें पढ़ डालिए। ज़्यादा नहीं है, 80 पेज हैं करीब, 80 पेज में भी खास शिक्षक से संबंधित वाला पढ़ लीजिए, जी, ठीक ठीक है। है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, चलिए ठीक है, नमस्कार। ठीक है भैया, नमस्ते।